विधानसभा में कुछ नई योजनाएं भी होगी कि मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं ये करूंगा, सर वो कौन सी ऐसी योजना है जो कि देवघर विधानसभा के लोगों के लिए हो? देखिए, देवघर विधानसभा के साथ साथ मैं नेतृत्व किया हूँ पूरे राज्य का, झारखंड का नेतृत्व किया हूँ, लेकिन मैं इतना बात जरूर कहूँगा कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद जो मूलभूत सुविधा है लोगों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, सबसे पहले हम लोग टोटल जो है क्षेत्र में, गांव में, सब जगह हम लोग पानी का व्यवस्था कराएंगे, किसान के लिए कुआं का व्यवस्था कराएंगे, नदी जोरिया जहाँ उसको बंधवा कर पानी का सुविधा करवाने का काम करेंगे, बिजली का सुविधा करवाएंगे, जहाँ स्कूल अभी वंचित कर दिया गया है झारखंड सरकार के तरफ से, जितना भी स्कूल था ग्रामीण क्षेत्र में उसको मर्ज कर दिया गया है, जो छोटा छोटा बच्चा पढ़ नहीं सकते हैं, गरीबों का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, किसानों का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, कोई अमीरों का बच्चा के लिए वह स्कूल का जो है साधन किया। हम लोग चाहेंगे कि इस बार जीत करके जाएंगे तो गरीबों का बच्चा का स्कूल का साधन जो था पहले, हम लोग पुनः जो है उसको वापस करेंगे, और जितना भी पारा शिक्षक है, जितना भी सहिया बहन है, सारे लोगों को बर्बरता पूर्वक जो पिटाई इन्होंने किया है, और आने वाला समय में हम लोग उसको सारा सुविधा देने का काम करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि यह सरकार में आवे तो पारा शिक्षक का जो है हम लोग परमानेंट हम लोग करना चाहेंगे, सहिया बहन के लिए सुविधा हम लोग देना चाहेंगे, इस तरह का जो है जो भी मूल सुविधा है हम लोग देने का काम करेंगे, और लोगों को जो है दिल जीतने का हम लोग काम करेंगे, काम के माध्यम से जोड़ने का काम। सर ऐसे एक चीज और, आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, देवघर विधानसभा में आज भी पब्लिकों के सामने बहुत सारी छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं। सर आपने अनुभव किया कौन कौन सी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो कि आप विधायक बनने के बाद फिर आप उसे दूर कर सकते हैं? देखिए, छोटा छोटा समस्या जहाँ भी है, जो भी है, जो छूट गया होगा लोग बताया नहीं, हम लोग घूमते हैं सब जगह जाए गए हैं, उस तरह का समस्या बहुत कम बचा हुआ। हम लोग चाहेंगे इस बार जनता का आशीर्वाद, जनता का, बाबा भोले का आशीर्वाद, महागठबंधन का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है, फिर हम लोग जीत करके जाएंगे। ये छोटे मोटे जो समस्या है उसको हम लोग निश्चित तौर पर दूर करेंगे। अभी हम लोग जून पोखर गए थे, आज जून पोखर में भी सारे लोगों से आशीर्वाद मांगने गए थे, तो वहाँ बताया कि पानी नहीं चढ़ रहा है, उसके लिए मैंने तुरंत बताया कि भाई थोड़ा इंतज़ार करो, इस बार चुनाव जीत करके हम लोग जाएंगे, सरकार हम लोगों का बनेगी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पुनासी जलाशय योजना का पानी जो है किसानों को भी मिलेगा, और देवघर शहर को पेयजल का सुविधा के लिए हम लोग उपलब्ध कराएंगे, उससे आपको पानी का समस्या का दूर करेंगे। पुनासी जलाशय योजना का पानी जब आएगा देवघर शहर में, परमानेंट यहाँ पानी का सलूशन होगा, कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। सर पुराने जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, पुराने देखिए अभी जो वर्तमान में विधायक थे उनके लिए क्या कहना हो, तो जनता से पूछने से बेहतर होगा। हम लोग ज़्यादा छीटा कसी नहीं करते हैं, काम तो कुछ किया नहीं, जनता का, गरीबों का काम किया नहीं, बेरोजगारों का काम किया नहीं, किसानों का काम नहीं किया, मजदूरों का काम नहीं किया, शहर में कोई काम नहीं किया, कोई दिखने वाली चीज़ है कहीं वो नहीं दिखा सकते हैं जो हम ये काम किए। हारने के बाद 110 ट्रांसफार्मर मैंने बदलवाने का काम किया, वर्तमान MLA का यह काम था, लेकिन हम हारने के बाद भी 110 ट्रांसफार्मर को हम लोग चेंज करवाए, जो कि आज लोगों को बिजली मिल रही है, सब लोगों को सुविधा मिल रहा है। यह काम जरूर किया है कि अपना घर को सौंदर्यीकरण कर लिया है। मैं अभी भी खपड़ा का घर में रहता हूँ, एस्बेस्टस का घर में रहता हूँ, और ये अपना घर बढ़िया से सुंदर से बना लिया, घर के अंदर फवारा भी लगा लिया है, झरना लगा लिया है, तो यही काम इन्होंने किया है, जो कि जनता इनसे खुश नहीं है, जहाँ भी जिधर भी जाते हैं जनता इनको जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और आने वाला जो अभी चुनाव है 16 दिसंबर को, उस दिन इनको सारा जवाब उसी दिन मिल जाएगा, और ये बोरिया बिस्तरा लेकर के अपना घर में बैठ जाएंगे। वहाँ शहीद आश्रम का सड़क बनवाने काम किए, नौका बांध जो है उसका हम लोग सौंदर्यीकरण काम किए, पुरनका बांध का काम किए, छोटका बांध का काम कराएँ, रूपसागर बांध का सौंदर्यीकरण कराएँ, देवघर शहर का जितना भी
काम पड़ा हुआ था जब हम कार्यकाल में थे, उसको पूरा करने का काम किए। आपका क्यू कॉम्प्लेक्स के लिए काफ़ी पैसा मैंने दिया, लेकिन यह सरकार जैसे ही आई वह सरकार जीर्ण शीर्ण अवस्था में रह गया, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जिसको हम लोग करवाने के लिए फंड भी दिए थे, आपका टाउन हॉल का जीर्णोद्धार के लिए मैंने फंड भी दिया, उसको भी लोग नहीं करवा पाए। तो हम लोग जो भी काम देख रहे हैं आप शहर में, वो मेरा कराया हुआ है। जब मेरा कार्यकाल था उसको पूरा करने का हम लोग काम कराए हैं। और जितना भी देवघर जिला के अंतर्गत, मेरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितना बड़ा बड़ा पुल निर्माण जो हुआ है, अजय नदी पर जो है हम लोग पुनासी घाट पर पुल बनवाने का काम किए, नंजरवा नदी घाट पर पुल बनवाने का काम किए, आपका सिंगजोरी घाट पर पुल बनवाने का काम किए, नौखिल घाट पर पुल बनवाने का काम किए, पतालडी घाट पर पुल बनवाने का काम किए, आपका ये जो है नवाडी घाट पर पुल बनवाने का काम किए, आपको मोहनपुर में जो है बंका नदी पर पुल निर्माण कराए। मतलब देवघर विधानसभा में आपको कहीं रोड खराब नहीं मिलेगा। महागठबंधन उम्मीदवार सुरेश पासवान, जिन्होंने देवघर विधानसभा के लिए काफ़ी कुछ किया और आगे भी अगर चुनाव जीतते हैं